पास सिलेक्शन है और ये आपके पास जो है ना ये दोबारा सिलेक्शन है पर नहीं आ रही, लेकिन इसको सिलेक्शन बढ़ा लेंगे। इसके नीचे वन जो है, अब आपने बताया था कि जब दो सेक्शंस होती हैं तो विद द हेल्प ऑफ बटरफ्लाई मेथड हम इनको सॉल्व करते हैं। अब ये थ्री को मल्टीप्लाई करवा देंगे, टू के साथ सिक्स आ जाएगा और ये टू जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, और उसके बाद ये जो थ्री है ये वाला ये माइनस कहना है यानी कि आप ऐसे लिखेंगे, और ये थ्री को मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स माइनस टू के साथ, और ये जो है हेरिटेज आएगा, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस और सिक्स, इसके बाद डिवाइड बाय सिक्स और इज इक्वल टू माइनस वन। और अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखें तो ये है टू एक्स और ये है माइनस थ्री एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस वन एक्स और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस वन एक्स डिवाइड बाई सिक्स आपके पास होगा माइनस वन। अब आप देखें आपके पास ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन इनके दरमियान में इक्वल का साइन है। बता चुका हूँ कि जब इक्वल का साइन होता है दो फ्रैक्शन के दरमियान में तो आप उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वन को मल्टीप्लाई कर देंगे आप माइनस वन एक्स के साथ, ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस वन एक्स ही आ जाएगा, और ये जो माइनस वन है इसको मल्टीप्लाई सिक्स के साथ करेंगे तो आएगा माइनस सिक्स। ठीक हो गया, अब ये माइनस ये माइनस आप अपने कैंसिल करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सिक्स। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये आपको समझ, आई होप आपको समझ आया।